हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेकफास्ट टू डिनर। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्टफ मशरूम। इसको आप पार्टी में एज ए स्नैक्स के हिसाब से बना सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगता है इसको बनाने के लिए, तो देर किस बात की, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगी स्टफिंग। तेल गरम हो चुका है, अभी मैं इसमें डालूंगी चॉप किया हुआ गार्लिक। गार्लिक को हल्का सा फ्राई कर लेना है जब तक इसका स्मेल ना आए। और अभी मैं डाल दूंगी चॉप किया हुआ अनियन। अनियन को हल्का सा फ्राई कर लेना है कलर चेंज होने तक। इस टाइम पे मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक, ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला। नमक बहुत ही कम यूज़ कीजिएगा क्योंकि चाट मसाला में नमक होता है। मिक्स कर दूंगी अच्छे से और ये अनियन थोड़ा सा फ्राई हो चुका है, इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इस टाइम पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी कैप्सिकम। कैप्सिकम को भी जैसे अनियन छोटा छोटा काट लिया था वैसे ही काटा है। मिक्स कर दूंगी अच्छे से। फ्लेम को इस टाइम पे हाई रखना है और अभी मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा मिक्स हर्ब्स। मिक्स कर दूंगी अच्छे से और ये हमारा स्टफिंग रेडी है। इधर मैंने ले लिया है मशरूम। मशरूम के बीच में से ऐसे इसका जो एक डंडा टाइप से होता है उसको निकाल के इस तरह से रेडी कर लेना है। और इधर जो स्टफिंग है हमारा उसमें मैं डालूंगी रोस्टेड सिसमी सीड्स। मिक्स कर दूंगी अच्छे से और मैं डालूंगी खूब सारा चीज़ ग्रेट किया हुआ। मिक्स कर दूंगी और ये स्टफिंग हमारा रेडी हो जाएगा। अभी मैं क्या करूंगी, ये जो मशरूम है इसके बीच में ऐसे स्टफिंग को रख के इसको ऐसे उंगली से थोड़ा सा दबा लेना है ताकि वो अंदर तक चला जाए। और एक करके दिखाती हूँ आपको, ये देखिए मैंने सारा रेडी कर लिया है, देख सकते हो आप। जिस पैन में मैंने स्टफिंग रेडी किया था सेम पैन में मैंने थोड़ा सा और ऑयल रखा है। सारे मशरूम को डाल दूंगी। फ्लेम को इस टाइम पे हाई रखना है ताकि मशरूम से पानी बाहर ना आए। और इसको ढक के एक दो मिनट के लिए पकाना है। जैसे मैंने ढक्कन खोला तो देखा ये सारा जो चीज़ है वो मेल्ट हो चुका है, तो मतलब ये बन चुका है और मशरूम भी सॉफ्ट हो चुका है। थोड़ा सा अनियन, धनिया पत्ता और केचप के साथ मैंने इसको सर्व किया है। मैंने ऊपर से थोड़ा सा चीज़ डाला है, अगर आप चाहो तो नहीं भी डाल सकते हो, पर ये बहुत टेस्टी लगता है, एक बार ज़रूर बनाइएगा घर पे। तो गाइस कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक करें मेरे वीडियोस को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरे पेज को ज़रूर फॉलो करें। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।